क्या कहेंगे जिस तरह जम्मू कश्मीर में चुनाव है, फर्स्ट फेज के जो चुनाव है यहाँ डोडा में भी है जी। तो चुनाव की उत्सुकता तो आप सब देख रहे हैं कि ये जो चुनाव है काफ़ी समय के बाद चुनाव हो रहा है, तो हम सब काफ़ी प्रिपेयर थे इस चुनाव को लेके। तो आज मोदी जी जो आ रहे हैं तो ये तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा फीडबैक जो है हमें मिल रहा है इस वक्त। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि पहली बार मोदी जी यहाँ आ रहे हैं और हम सब बड़ी ही खुशी के साथ उनका स्वागत के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ये जो ड्रेसअप आप मुझे देख रहे थे ये मोदी जी का आशीर्वाद है जो उन्होंने वहाँ से भेजा था, तो उसी वेशभूषा में हम यहाँ आके उनके स्वागत के खड़े हैं। तो क्या कहेंगे जिस तरह ये चुनाव हो रहे हैं, तो किस तरह के काम हुए हैं, क्या कहेंगे बीजेपी किन मुद्दों को लेके लड़ रही है? जी देखिए, बीजेपी के जो मुद्दे हैं वो स्पष्ट हैं कि उनकी जितनी भी नीतियां हैं, उनकी जितनी भी स्कीम्स हैं हर घर के साथ जुड़ी हुई हैं। चाहे आप महिलाओं संबंधी कोई भी स्कीम ले लीजिए, उज्ज्वला योजना ले लीजिए, या कोई गोल्डन कार्ड, स्वास्थ्य के प्रति कोई चीज़ ले लीजिए, इन सब चीज़ों के हमारे जो फंडे हैं वो क्लियर हैं। और हर लोग जो यहाँ पर हैं कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके पास हमारी मोदी जी की भेजी हुई कोई स्कीम पहुँची नहीं है जी। हाँ, काफ़ी दूर दराज का इलाका है डोडा जी, क्या कहेंगे? हाँ जी, देखिए दूर दराज का इलाका है डोडा, बहुत दूर से लोग आए हुए हैं और मोदी जी इतने लोकप्रिय नेता हैं कि चाहे कोई कितने भी दूर से है वो ज़रूर इस वक्त आएगा, रैली में आएगा, ये तो सुनिश्चित है। हर कोई सुबह 5 बजे से घर से निकले हुए हैं लोग, सबको पता है कि सिटी बंद है, सिटी को क्लोज किया गया है, मगर फिर भी पैदल लोग यहाँ पर आ रहे हैं जी। तो जिस तरह कुछ महीनों में आतंकवाद थोड़ा बढ़ा है जी, तो क्या लगता है कि इसको भी कर लेंगे जो कंट्रोल में? जी जी, ऐसा कुछ नहीं है। देखो हमारा जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पे ये बहुत फैला हुआ इलाका है, ऐसी भी जगहें हैं जहाँ पे ये लोग कुछ छोटी मोटी घटनाएं कर रहे हैं, पर ये कुछ नहीं है, इलेक्शन को डिस्टर्ब करने के लिए किया गया था, बट ऐसा कुछ नहीं है। लोगों का जो उत्साह है वो स्पष्ट था कि हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं और ऐसी किसी भी घटना से लोग डरने वाले नहीं हैं और स्पष्ट है कि हम इलेक्शन में उतरने वाले और इलेक्शन होगा ही जी। वोटिंग तो बम्पर होगी ये हमें पता है, कोई भी किसी घटना से रुकने वाला नहीं है, चाहे जितनी भी बड़ी घटना हो जाए लोग वोटिंग तो बम्पर करेंगे। हम चाहते हैं कि अब जो है वो इस हमारे MLA वगैरह जो भी हैं वो चुन के आ जाएं ताकि हम लोगों की जो उम्मीदें और आशाएं हैं उनसे बनी रहें जी। बहुत ही खुशी का दिन है हर एक इंसान के लिए, बड़े तो बड़े, छोटो बच्चे, बच्चे में भी उत्साह है। और रात को मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ मोहल्ले में बच्चे सोए नहीं हैं, मोदी जी आ रहे हैं मिलने जाना है, बड़ी खुशी है, बड़े निडर हैं। पहले प्रधानमंत्री जी को कोई जानता भी नहीं था, आज हर कोई उनको जानता है, बच्चा बच्चा के नाम पे मोदी जी का नाम है और बच्चा बच्चा बहुत खुश है, हमारी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। आपका जो ग्रुप है कुछ अलग से बीजेपी ये साड़ियां पहन के आए हैं, ये क्या है? ये महिला मोर्चा है, महिला मोर्चा है, हम महिला मंडल से हैं, सारी लेडीज हैं, इसलिए हमने ये महिला मोर्चा की तरफ से ये बीजेपी की साड़ी पहनी हुई है और हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है हमें। भैया हम यही कहेंगे कि हमारी बीजेपी किसी हालत में भी जीतनी चाहिए और हम बहुत से इनके लिए कोशिश कर रहे हैं। जैसे देखो हमारे मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी के गाजा सिंह रैना जी हैं, हमने उनके साथ बहुत 3-4 दिन बहुत डट के मतलब मेहनत की, रैलियों में गए और हमें यही खुशी है कि हमारी बीजेपी जीते और हम कहीं आगे बढ़े। ऐसा नेता हमें दोबारा ना मिलेगा ना कोई होगा,